डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट स्मैशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्रिएटेबल कमांड इन एसक्यूएल, और इसको हम इंप्लीमेंट भी करेंगे यूजिंग ओरेकल लाइव। तो इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें ताकि आपके थ्योरेटिकली एज वेल एज प्रैक्टिकली इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो दोनों एस्पेक्ट जो है वो कवर हो जाएंगे। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दी है तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब जो है वो चैनल को करवाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रिएटेबल कमांड की अगर हम बात करें ना, इट इज अ डीडीएल कमांड, और डीडीएल कमांड में सबसे पहली कमांड ही आपकी क्या है, क्रिएटेबल। क्यों? क्योंकि जब भी हम RDBMS की बात करते हैं ना, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, तो यहां पे जो रिलेशन का मतलब है ना वो क्या है, एक्चुअल में टेबल ही है। रिलेशन मतलब टेबल। और दूसरा ये क्या है, स्ट्रक्चर्ड डेटा है। स्ट्रक्चर्ड डेटा के केस में हम क्या करते हैं ना, पहले स्कीमा बनाते हैं, पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर डेटा को स्टोर करते हैं। लेकिन आजकल अगर आपने नाम सुना हो, NoSQL है, MongoDB है, इसमें क्या है, ये स्ट्रक्चरलेस मतलब स्कीमालेस, इसमें आप डायरेक्टली डेटा को स्टोर कर सकते हो। डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड है, इसके अलावा अगर हम बात करें कॉलम ओरिएंटेड है, ग्राफ ओरिएंटेड है, वो मतलब एक थोड़ा सा एडवांस टॉपिक आ गया। लेकिन इसमें हम पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, और स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, टेबल। तो देखो, DDL कमांड में पहली हमारे पास आ जाती है क्रिएट टेबल टेबल नेम। ये मैंने सिंटेक्स यहां पे लिखा है, क्रिएट टेबल टेबल नेम, टेबल का नाम यहां पे देना। उसके बाद हमने यहां पे मेंशन करने होते हैं कॉलम्स। तो यहां पे राउंड ब्रेसेस, हमने राउंड ब्रैकेट स्टार्ट की, कॉलम वन नेम डेटा टाइप, कॉलम टू नेम डेटा टाइप, कॉलम थ्री नेम डेटा टाइप, ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। यहां पे छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये जो सिंटेक्स मैं फॉलो कर रहा हूं, मैं ओरेकल के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉलो कर रहा हूं। मतलब कई बार क्या होता है ना, ओरेकल का, MySQL का और SQL सर्वर का, IBM DB2, इनमें माइन्यूटली सा डिफरेंस होता है। लॉजिक सेम ही है तो SQL ही, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो सिंटेक्स का फर्क हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको जो है वो फॉलो करवा रहा हूं ओरेकल का, और मेनली आपका यही फॉलो होता है, तो इसीलिए आप इसको फोकस जो है वो कर सकते हैं। तो देखो, ये आपके पास लास्ट में यहाँ पे छोटा सा पॉइंट जो है वो याद रखना कि डेटा टाइप जो लास्ट हम लिखते हैं ना, जो लास्ट कॉलम होता है उसके साथ कॉमा नहीं आता, उससे पहले सारों के साथ क्या आता है, कॉमा आता है। सिर्फ लास्ट वाले के साथ कॉमा नहीं आता, क्योंकि हम ब्रेसेस बंद करके यहाँ पे सेमीकोलन लिखना जरूरी है। तो सेमीकोलन जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ सिंटेक्स, ठीक है ना, तो लास्ट में नहीं लिखना। दूसरा, टेबल का नेम अगर आप मेंशन कर रहे हो तो उसके बीच में आपको, टेबल का नेम अगर बड़ा है तो आपको ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में गैप जो है वो नहीं छोड़ना। अगर आपको लेट से कोई इस तरीके से मेंशन करना है, स्टूडेंट डिटेल, तो अगर आप इस तरीके से लिखते हो ना कि क्रिएट टेबल टेबल नेम स्टूडेंट डिटेल, तो ये क्या देगा, एरर देगा। या तो इसको कंबाइंड लिखो, या फिर आप यूज कर सकते हो जैसे अंडरस्कोर जो है वो यूज कर सकते हो। ये पार्ट ऑफ सिंटेक्स है, ये वैसे तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हो ना तब आपको ज्यादा क्लैरिटी होती है, लेकिन फिर भी चलो मैं आपको बता देता हूं। फॉर बिगिनर स्पेशली, जो लोग बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ रहे हैं ना SQL, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, चाहे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको कहीं ना कहीं छोटे छोटे पॉइंट जो है वो हेल्प करेंगे। उसके बाद जब टेबल क्रिएट हो जाएगा, देन वी कैन सी द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हम दे सकते हैं, उसको बोलते हैं स्कीमा। तो उसका जो व्यू देखने के लिए हम यूज करते हैं DESC, काइंड ऑफ डिस्क्राइब, DESC टेबल का नेम। तो आप टेबल का नेम दोगे तो वो क्या देगा, आपको कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स का डेटा टाइप कौन सा है, साइज क्या दिया है, आपने अगर कोई कंस्ट्रेंट लगाया है प्राइमरी की, फॉरेन की, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो स्कीमा में शो कर देता है। बाकी आपको प्रैक्टिकली जो देखेंगे ना इसी वीडियो के लास्ट में, तब आपको और आइडिया आ जाएगा। देन ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा है क्रिएट टेबल टेबल नेम, और आईडी है इंट डेटा टाइप नेम वेरकैर 2, और एकल में हम यूज करते हैं वेरकैर 2। वेरकैर भी यूज हो जाता है, लेकिन वेरकैर उन्होंने रिजर्व कर लिया है, वेरकैर 2 जो है वो अब यूज करते हैं। वैसे वेरकैर भी चल जाएगा, लेकिन वेरकैर 2 जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है ओरेकल। देन सैलरी है, नंबर मैंने दे दिया। अब देखो, वही मैंने यहाँ पे सेमीकोलन जो है या कॉमा कुछ नहीं लगाया, सिंपली यहाँ पे मैंने ब्रेसिस बंद की और उसके बाद मैंने सेमीकोलन। देन डिस्क्राइब टेबल का नेम। तो नाउ वी विल सी द एग्जीक्यूशन पार्ट। ओके, लेट्स सी द एग्जीक्यूशन पार्ट। तो एग्जीक्यूशन पार्ट में सबसे पहले मैंने आपको, जैसे पहले भी बताया हुआ है कि ओरेकल लाइव का मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो आप सिंपली गूगल पे टाइप करो ओरेकल लाइव, और आपको ये लिंक जो है वो ओपन होगा। आपको सिंपली करना क्या है, वहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास कंफर्मेशन मेल आएगी, तो आपका जो है वो पूरा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपके पास जो वर्कशीट हो रही है, इस पे सिंपली कोडिंग जो है वो स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। अदरवाइज आप ओरेकल 10G है, 11 है, 12 है, या लेटेस्ट 19 आया हुआ है, तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। नहीं तो अगर आप बिगनर्स हो तो आप सिंपली इससे स्टार्ट कर दो, दैट विल बी अ गुड ऑप्शन। ओके, तो क्रिएट टेबल टेबल नेम, एम्प्लॉई मैंने यहाँ पे दिया, थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। क्रिएट टेबल टेबल नेम, फिर वही ब्रैकेट स्टार्ट,
आईडी इंट दे देते हैं, नेम वेयर कैर टू, ठीक है, तो वेयर कैर टू दे दिया, लेट्स से मैंने साइज दे दिया 10। वेयर कैर जो है वो क्या है, इट इज अ वेरिएबल काइंड ऑफ डेटा टाइप, और जो इंट है इट इज अ फिक्स्ड डेटा टाइप। तो इंट ने अगर लेट्स से अगर इंट 2 बाइट का है तो उसने 2 बाइट पूरा स्पेस जो है वो एक्वायर करना है, लेकिन वेयर कैर टू जो है अगर लेट्स से 4 बाइट का है तो उसने जो स्पेस हमने दे दिया लेट्स से 10 दिया तो उसने उतना ही स्पेस जो है वो एक्वायर करना है। तो ये स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं ज्यादा जो है आप कह सकते हो एफिशिएंट है। लेट्स से तीसरा मैंने कॉलम डाल दिया सैलरी और उसका डेटा टाइप दे दिया नंबर, नंबर भी आपका क्या है वेरिएबल लेंथ। ऐसी अगर हम बात करें करेक्टर, करेक्टर इज ऑल्सो फिक्स्ड। चलो जी सेमीकोलन हमने यहाँ पे लगा दिया लास्ट में, सिलेक्ट कर दो सारे को और यहां से इसको कर दो रन। तो जैसे इसको रन किया नीचे क्या आउटपुट आ गई, टेबल क्रिएटेड, ठीक है ना। तो जो मैं वही आपको दिखा रहा था कि यार अगर लेट से इम्प्लॉय के साथ मैंने कुछ भी इस तरीके से मैंने लिखना है इम्प्लॉय डिटेल, तो होता पता है क्या है, ये एरर आपको दे देगा यहाँ पे। रीजन उसका क्या है कि आपने स्पेस जो है वो यहाँ पे दे दिया, तो अगर आप स्पेस दे देते हो तो एरर आएगी, तो बेटर है आप अंडरस्कोर यूज कर लो या इसको इकट्ठा जो है वो लिख दो, ठीक है। तो एम्प्लॉय डिटेल, लो जी ये टेबल भी क्रिएट हो गया। तो लेट से हम इसको चेक कर लेते हैं, डिस्क्राइब टेबल का नाम, टेबल का नाम दिया, पहले हमने एम्प्लॉय टेबल बनाया था ईएमपी, तो पहले हम उसको देख लेते हैं। लो जी आपका टेबल जो है वो इस तरीके से शो कर रहा है, ये स्कीमा, इसको बोलते हैं स्कीमा। तो टेबल का नेम ईएमपी, कॉलम देखो आईडी नेम सैलरी नल, मतलब क्या हमने इसमें कोई कंस्ट्रेंट डाला है, नल कंस्ट्रेंट जो होता है ना, नॉट नल कंस्ट्रेंट प्राइमरी की, उस केस में ये शो करेगा, तो अभी नल कंस्ट्रेंट में कोई लेना देना नहीं है। टाइप जो है वो नंबर, वेयर कैर और नंबर या आईडी। अगर आपके दिमाग में आएगा कि सर आईडी तो हमने इंट दिया था, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या यूज करता है, नंबर डेटा टाइप ही यूज करता है। वेयर कैर टू, और ये देखो सैलरी हमने 10 दिया था तो इसने 10.0, ये 10.0 का मतलब क्या है, स्केल एंड प्रिसीजन वैल्यू, तो ये स्केल वैल्यू है 10 और प्रिसीजन वैल्यू दोनों को यहाँ पे शो कर देता है। तो बाय डिफॉल्ट आपको इस तरीके से जो है वो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हो और टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो।